वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में मैं ब्लाउज बैक नेक डिजाइन बताऊंगी जो कि आजकल बहुत ज्यादा फैशन में चल रहा है, ट्रेंड में चल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने पेस्टिंग लिया है, पेपर पेस्टिंग। हम पाइपिंग डिजाइन बनाएंगे। तो सबसे पहले इस पे मैनेजमेंट लेना है। तो इसको फैब्रिक, ये जो हमने लिया है फ्यूज पेपर, ये 10.2 इंचेस चौड़ी और 12 इंचेस लंबी। अब इसी में हमें मार्किंग करना है। तो इसको सबसे पहले करेंगे डबल, यहाँ हमने डबल कर लिया। उसके बाद हमें यहाँ पे लेंथ देखना है, तो हमें 10 इंचेस चाहिए, तो यहाँ से हम 10 इंच पे मार्क लगाएंगे और यहाँ से लेंगे 2.5 इंच और एक बॉक्स बनाएंगे और यहाँ से लेंगे 3.5 और यहाँ से इसमें बॉक्स ड्रॉ करेंगे। अब इसी बॉक्स में हमें डिजाइनिंग बनाना है। तो आप कौन सा डिजाइनिंग पहनना पसंद करते हो वो डिजाइन बनाइएगा। तो यहाँ से हम इस तरीके से और फिर इधर से इसमें शेप देना है। अब कर लेते हैं इसकी कटिंग। फिर नीचे से शेप देंगे। ये देखिए बिल्कुल सिंपल सा बनाएंगे, ये पाइपिंग डिजाइन होगा। अब साइड से किनारा से 1-1 इंच छोड़ते हुए कट करते हैं। इसका एक्स्ट्रा वाला 1-1 इंच छोड़ते हुए निकाल दिया है। अब हमें ये मटका शेप में बनेगा। तो अब ये वाला जो फैब्रिक है इसके ऊपर हमें इसको डालना है इस तरीके से और इसको प्रेस से चिपका ले। अगर प्रेस नहीं है तो आप सिलाई लगा के भी इसको चिपका सकते हैं। तो चलिए मशीन पे चलते हैं और ये नेक डिजाइनिंग बनाना बताते हैं। पहले हम इसको अच्छे से बराबर से रख लेंगे, उसके बाद इस पर सिलाई लगा कर इसको अच्छे से स्टिच कर लेंगे। बीचों बीच हम सिलाई लगा लेंगे। तो सिलाई लगा के इसको सेट कर लेते हैं तरीके से। अगर लाइट नहीं है तो आप सिलाई मशीन से भी लगा सकते हो सिलाई। तो लाइट नहीं है तो हमने मशीन से ही इसको चिपका लिया है। अब नेक पे सेट कैसे करेंगे, तो भी एक्स्ट्रा है 1/2 इंच छोड़ते हुए हम कटिंग कर लेते हैं साइड वाला। 1/2 इंच छोड़ते हुए इतना ही छोड़ना है कि मेरा अच्छे से फोल्ड हो जाए अंदर की तरफ। ये देखिए इस तरीके से सभी साइड से। अब किनारा साइड साइड से मोड़ेंगे, किनारा से फोल्ड कर लेते हैं साइड वाला। तो इस तरीके से लेना है। और किनारे किनारे को इस तरीके से मोड़ते जाना है। फिर इधर से सब साइड से इसी तरीके से। सब साइड से फोल्ड हमने कर लिया। अब जो एक्स्ट्रा है उसको छांट देंगे। तो हमने इसको भी छांट लिया। अब इसको सेट करेंगे गले पे। सिर पे लगाने से पहले इसको बीच सेंटर करेंगे और बीच सेंटर करते हुए एक हम कट यहाँ बीचों बीच लगाएंगे। उसके बाद ये जो ब्लाउज में यहाँ भी बैक साइड में एक बीचों बीच कट लगाएंगे और इसको हमें आगे से सेंटर करते हुए मिलाना है। तो इसको हम इस टाइप से रख लेंगे यहाँ और इसको यहाँ से ऐसे मिला के पहले एक बीचों बीच रफ स्टिच करते हैं। तो वो कर लेते हैं। बीच एक मार्किंग हमने अच्छे तरीके से कर लिया है सेंटर में। अब इससे यहाँ से यहाँ तक एक रफ स्टिच कर लेते हैं। हमने बीचों बीच सिलाई लगा लिया है, अब साइड वाला लगाएंगे। बीचों बीच हम सिलाई इसलिए लगाए हैं कि ये हमारा फिसले नहीं, इधर उधर नहीं हो, ये बीच में लॉक हो जाए, सिक्योर हो जाए। अब किनारे वाला डिजाइनिंग को किनारे किनारे सिलाई लगाते जाते हैं।
कढ़ाई देखते हुए। फिर इधर से नीचे की तरफ से जैसे जैसे कढ़ाई है वैसे वैसे हमें सिलाई को घुमाते हुए लगाना है। ये बहुत ही खूबसूरत डिजाइन बनने पे लगती है पहनने पे भी। ये हमने सब साइड से सिलाई लगा के इसको लॉक कर लिया। अब इसको कट करेंगे तो हाफ हाफ इंच छोड़ते हुए इस तरीके से कटिंग कर देनी है। हाफ हाफ इंच छोड़ते हुए दोनों साइड से फिर नीचे की साइड से ये देखिए सब साइड से हमने कट कर लिया। अब इसको इसमें छोटे छोटे कट्स लगाने हैं तो वो कट्स हम कैसे लगाएंगे तो ये देखिए इस टाइप से हम छोटे छोटे पूरे में कट्स लगाते हैं। तो फ्रेंड्स क्या किया हमने छोटे छोटे इस तरीके से कट्स लगा लिए। ये कट्स लगाना बहुत जरूरी है, ये बिना कट्स के आपके गले में फिनिशिंग बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो ये कट्स लगाएंगे उसके बाद अब इसी से हमें पाइपिंग भी बना लेना है। तो चलिए बनाते हैं। तो फ्रेंड्स हमें इसको इस तरीके से सीधे साइड पलट लेना है। ये नेक डिज़ाइन बहुत खूबसूरत लगता है सिंपल में। जिनको ज़्यादा डिजाइनिंग पसंद नहीं है वो इस तरीके का सिंपल नेक डिज़ाइन बना सकते हैं। इसमें हम डोरी भी लगाएंगे। तो पहले इसको हम पलट लेते हैं और इसी से पाइपिंग बनाते जाएंगे। तो इसको पहले अच्छे तरीके से सीधा करके ये देखिए तो ये हमने पलट लिया। अब पाइपिंग बनाएंगे इसी से, पाइपिंग निकालते जाना है। तो देखिए इस तरीके से लेना है, बिल्कुल किनारा करते हुए पाइपिंग बनाना है हमें बिना धागा का। डिज़ाइनिंग वाला नेक में भी हम गला जो लगाए हैं उसी से हम पाइपिंग लगाएंगे। तो हमने गला इसलिए डिफरेंट कलर लगाया क्योंकि हमें इसी से सेम पाइपिंग बनानी थी। अब इसी पे सिलाई लगाते जाएंगे। तो चलिए लगा लेते हैं। देखिए इसी से हल्का हल्का हमें खींचते जाना है, बस वो अंदर से पाइपिंग निकलते जाएगी। बस सेम इसी तरीके से हमें करना है, हल्का हल्का निकालते जाना है किनारे किनारे करते हुए। इतना खूबसूरत ये बिना धागा का पाइपिंग बनते जा रहा है। अब यहाँ पे कॉर्नर पे थोड़ा सा हमें ध्यान देना है क्योंकि यही फिनिशिंग रहेगी जब भी आपकी नेक खूबसूरत लगेगी। तो अब यहाँ पे हम कॉर्नर के पास थोड़ा सा अच्छे से कर लेते हैं। ये देखिए तो इधर साइड का बन गया। अब दूसरे साइड का बनाते हैं नीचे के साइड। तो इसी तरीके से नीचे भी बनाना है पाइपिंग को, बिना किसी झंझट के हम इजीली बना लेंगे। इसी तरीके से सिलाई हमें चलाते जाना है और पाइपिंग निकालते जाना है। ये रहा साइड का कॉर्नर, ध्यान दीजिएगा हमने कैसे बनाना है ये। फिर इधर साइड घुमाएंगे, बिना किसी धागे का आप इस तरीके से इजीली पाइपिंग बना लेंगे। ये देखिए अगर ज्यादा डिजाइनिंग पसंद नहीं हो तो ये सिंपल सा नेक डिजाइन आप बना सकते हैं पाइपिंग के साथ वाला, क्योंकि इससे आपकी साड़ी की कलर भी मैच हो जाएगी पाइपिंग से और खूबसूरत भी लगेगी। तो ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। तो इसी तरीके से हमें बैठाते जाना है। तो यहाँ हमने बैठा लिया, देखिए नेक डिजाइन कितना खूबसूरत लग रहा है। अब हमें क्या करना है, डोरी डालना है। डोरी हमने ऑलरेडी पहले से रेडी किया हुआ है, वो डोरी को हमें कितना भी अटैच करना है। इस टाइप का नेक रहे तो हम तीन अंगुल छोड़ लेंगे और यहाँ से अटैच कर लेंगे डोरी को। तो देखिए
इस तरीके से लेना है और यहाँ पे सेट कर देना है दो तीन सिलाई लगाते हुए। तो यहाँ हमने लगा लिया सिलाई, एक्स्ट्रा को कट कर लेंगे। इसी तरह दूसरा डोरी ज्वाइंट करते हैं। हमने दोनों अटैच कर लिया, तो देखिए कितना खूबसूरत ये डिजाइनिंग लग रहा है, ये इस तरीके से मटका स्ट्राइक। तो देखिए इस तरीके से ये सबसे सिंपल डिजाइन है, ये बनाना कोई झंझट नहीं है। तो मैंने बता दिया, अगर आपको ज़्यादा हैवी डिजाइनिंग पसंद नहीं है तो इस टाइप का मटका सेप में आप बना के पहन सकते हो ब्लाउज में, और पाइपिंग आप साड़ी का मैच लगा सकते हो। तो फ्रेंड्स आज की ये नेक डिज़ाइन कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। इस तरीके से हमने डोरी भी लगा लिया है, तो डिज़ाइनिंग पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। फ्रेंड्स इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिनको ज़्यादा डिज़ाइनिंग पसंद नहीं हो उनके लिए ये हेल्प हो सके ये डिज़ाइनिंग बनाने में। तो फिर मिल रही हूँ नेक्स्ट कटिंग स्टिचिंग के साथ, जब तक के लिए बाय बाय।